अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जो मेहमान आ रहे हैं उनका किस तरीके से स्वागत हो रहा है। देखिए उस घड़ी का इंतजार जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था वो पूरा हो गया है और अब धीरे धीरे जो मेहमान पहुंच रहे हैं अनंत और राधिका की शादी में शामिल होने के लिए, उनकी आप ये खास तस्वीरें देखिए, क्योंकि देश और विदेश सभी जगहों से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस ग्रैंड शादी का साक्षी बनने के लिए तमाम बड़े उद्योगपति भी इस शादी में शामिल होने के लिए नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से पूरा परिवार यहां पर वेलकम करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ आप देखेंगे कि बेटी ईशा और साथ ही आनंद पीरामल उनके पति भी मौजूद हैं, मुकेश अंबानी खुद सभी मेहमानों की अगवानी कर रहे हैं, साथ ही बेटी आकाश और उनकी जो पत्नी है श्लोका वो भी सभी मेहमानों का स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। सभी जो VVIP मेहमान हैं उनके स्वागत के लिए किस तरीके से खास तैयारियां की गई हैं, पूरी गाड़ी को सजा दिया गया है, फूलों से पूरी दुल्हन की तरह गाड़ी सजी हुई है और इसी तरीके की सुंदर सजी हुई गाड़ियों से सभी मेहमान जो जियो वर्ल्ड सेंटर है जहां पर पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस शुभ विवाह की अनंत बधाई देने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं। गजब का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। जो खास मेहमान इस घड़ी में साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं उनका वेलकम करने का जो अलग ही अंदाज नजर आ रहा है, भारतीय संस्कृति और धरोहर को दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये शादी छाई हुई है, लोग देखने के लिए आतुर हैं कि आखिरकार इस शादी के दौरान और क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरीके से सभी इंडियन लुक में नजर आने वाले हैं। और ये देखिए बहुत ही अनोखे और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा परिवार तैयार है और इस देश की सबसे बड़ी शादी में जो मेहमान पहुंच रहे हैं पूरा परिवार उनको सामने देखकर नमस्कार करके उनका स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। जब मेहमान मौके पर पहुंचे जियो वर्ल्ड सेंटर तो वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ सभी मेहमानों की आगवानी की जा रही है। तो देखिए सबसे बड़ी शादी सबसे बड़ा उत्सव अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की आज शादी है 12 जुलाई वो खास तारीख जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल इसके पहले जितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं आप देखेंगे कि जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो तो आपको नजर आए ही, साथ ही हॉलीवुड की उन शख्सियतों को भी आपने खास प्रोग्राम्स में परफॉर्म करते हुए देखा है जिनका सपना ही था कि उनको एक झलक देख पाए और उन्होंने आकर देश में इस ग्रैंड शादी में परफॉर्म किया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो मेहमानों की लिस्ट है वो बहुत लंबी है क्योंकि देश के साथ साथ विदेशों से भी विदेश के कोने कोने से मेहमान यहाँ पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाई जा रही हैं जियो वर्ल्ड सेंटर के बाहर की तस्वीरें जब मेहमान पहुंच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और इस शादी में जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी लगातार हम दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया जब बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, साथ ही तेजस्वी यादव भी आपको नजर आए हैं, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी वो भी पहुंची हुई हैं और ये जो रस्में हैं वो शुरू हो चुकी थी। लगातार 3 बजे से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मेहमानों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में दोनों साथ फेरे लेने वाले हैं और अनंत राधिका की सगाई हुई थी बीते दिसंबर को और अंबानी फैमिली में तभी से लगातार समारोह चल रहे हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये देश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी चलने वाली शादी है। खूब धूमधाम के साथ सारे फंक्शन सेलिब्रेट किए गए हैं
और आज का वो दिन जब सभी इस शादी में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए वो घड़ी जब ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुकेश अंबानी साथ ही नीता अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। 12 जुलाई वो खास दिन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और दुनिया भर की कई हस्तियों को न्योता दिया गया है। दिग्गज कंपनियों के CEO को भी न्योता मिला है जो कि पहुंचे भी हैं। और देखिए ये पूरा एक ड्रेस कोड यहाँ पर आपको नजर आएगा जहाँ पूरे खूबसूरत नजर आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरी शादी में शामिल होने के लिए आप देखेंगे ईशा अंबानी के बच्चे श्लोका के बच्चे भी आपको नजर आएंगे। और ये फंक्शन के शुरुआती तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं पूरे परिवार की। और इसमें जाहिर सी बात है कि जो राधिका मर्चेंट हैं वो अभी आपको नजर नहीं आ रही हैं और इंडियन कल्चर दिखाया जा रहा है। ग्लोबल गेस्ट आने वाले हैं अनंत और राधिका की शादी। कई दिग्गज कंपनियों के CEO भी इस शादी को अटेंड करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब जॉन सीना भी पहुंचे थे और उन्होंने जो मीडिया है उसे वेव किया था। और ये देखिए ग्लोबल सेंटर के अंदर जब दाखिल हो रहे हैं मेहमान उस दौरान किस तरीके से उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। भारतीय परंपरा को देश और दुनिया में बिखेर रही है ये शादी और इससे पता चलता है कि इंडियन कल्चर की जो शादी होती है वो कितनी खूबसूरत तरीके से होती है। सारी रस्में सारे रिवाज जो पूरे किए गए हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई। और ये देखिए बहुत ही खास ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इस शादी में शामिल होने के लिए ग्लोबल गेस्ट पहुंचना शुरू कर चुके हैं। आपको हमने बारी बारी से वो तस्वीरें भी दिखाई हैं। आज देश के कोने कोने से बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आपको नजर आए हैं। सारे बॉलीवुड सितारे यहां पर आपको नजर आने वाले हैं। जॉन सीना भी पहुंचे थे कुछ देर पहले। वॉलिस एंड कंपनी के वाइस चेयरमैन एरिक कैंटर भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए पूरे परिवार के साथ ये तस्वीर जो दिखाई जा रही है और उस घड़ी का इंतजार पूरा हुआ। 12 जुलाई और 3 बजे के बाद फंक्शन शुरू होने थे शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं।
तो देश की सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली शादी और वो शुभ घड़ी जिसका सभी को इंतजार था, क्योंकि अभी भी सभी को उस वक्त का इंतजार है जब राधिका मर्चेंट भी नजर आएंगी दुल्हन के लुक में। और जाहिर सी बात है कि उनको देखने के लिए भी लोग काफी उत्साहित हैं। तो अभी ये पूरा परिवार जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और हर खास मेहमान को विशेष गाड़ी से ही जियो वॉल सेंटर अंदर लाया जा रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब पूरा परिवार हर एक खास मेहमान का स्वागत करता हुआ भी नजर आया था।